मंगलवार रात यहां पर नीमतला घाट में कुछ परिवार जो हैं अपने एक सदस्य का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे रहते हैं। घटना 11:30 बजे के बीच की है, जब अस्थि विसर्जन करने के लिए जो है परिवार के लोग इस घाट पर यहां जो है आप देख सकते हैं इस जगह पर आते हैं। कल रात को जो है पूर्णिमा का दिन होने के कारण जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर बांध की पानी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो 9 लोग बताए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे लोग जो है वो इस पानी की चपेट में जो है आ जाते हैं, और वो पूरी तरह से जो है इस पानी में ही जो है काफी ज्यादा दूर तक बह करके निकल जाते हैं। जब स्थानीय लोगों को इस घटना की पता चलती है तब वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, उन 9 लोगों को बचाने के कार्य में जो है वो जुट जाते हैं। 8 लोगों को जो है यहाँ पर बचाया जा चुका है, जिसमें प्रसन्नजीत मजुमदार 32 वर्षीय व्यक्ति है जिनकी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में जो है बाद बाकी व्यक्तियों को एडमिट करवाया जाता है। वहीं एक महिला जो है अभी भी गुमशुदा बताई जा रही है, उनकी खोज जो है वो अभी भी जारी है। मिताली चौधरी महिला का नाम है, वो अभी भी गुमशुदा है, उनकी खोज जारी है। कल रात के 3 बजे तक जो है सर्च ऑपरेशन डीएमजी विभाग की तरफ से चलाया गया है। कल मिनिमम 11 बजे बांध आया था यहाँ पे, और बांध आने के बाद जितना भी मुर्दा का जितना लोग थे यहाँ पे खड़ा होकर, कुछ लोग पता नहीं कि यहाँ पे बांध आना आ रहा था, ऑटोमेटिक यहाँ पे बांध आ गया, उसके सबको लेके बांध के मारते हुए ले गया। हम लोग के लोकल लड़का लोग देखने बाद लोग को सबको बचाया, कितना को किसी कर करके निकालने की कोशिश किया, बहुत लड़का लोग हम लोग के लड़का लोग हैं निकालने की कोशिश किया। निकालने के बाद तब पुलिस आया, सब अपने अपना फोन किए, तब पुलिस किया। इसके बाद कितना इनकम को मिनिमम 5 आदमी कल रात को निकाला गया। उसके बाद मिसिंग था तो उसको फैमिली में मिल आया, तो पुलिस आया, सब उसको खोजा खोजी हुआ। आज सुबह भी जो है जैसा कि मैं अपने कैमरा पर्सन रवि शर्मा से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं, डीएमजी की टीम जो है वो अभी भी लगी हुई है और महिला की खोज अभी भी जारी है। ये दोबारा जो है ये घटनाक्रम जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है सवालिया निशान उठाता है कि ये जो इलाका है जहां पर काफी ज्यादा लोग जो है जो दाह संस्कार करने के लिए आते हैं, तो जब इस तरह की हालात होती है तो क्या कुछ ऐसी कमी रह गई थी जिस वजह से जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इतनी बड़ी जो है मात्रा में जब पानी बह करके चला आता है तो लोग इतने ज्यादा सामने उठ करके चले आते हैं। हम जब आज सुबह यहाँ पर पहुंचे थे, हमारे कैमरा पर्सन रवि शर्मा आपको दिखाएंगे कि जब हम आज सुबह भी यहाँ पहुंचे थे तो 9 बजे के आसपास जिस तरह से बांध का पानी जिस तरह से उठ करके जिस बड़े पैमाने पर जो सामने आ रहा था वो बहुत ही भयावह नजारा था। इस तरह से ये जो पूरी घटना है ये एक इस तरह का मतलब सवालिया निशान उठाता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या कुछ जो है कमी रह जाती है पुलिस की तरफ से। वही यहाँ पर नॉर्थपुर पुलिस स्टेशन के जो है इंस्पेक्टर से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मतलब चूंकि आज भी जो है रात के 11:18 पर जो है बांध का पानी दोबारा बढ़ने वाला है, तो अब उनकी तरफ से जो है बकायदा यहाँ पर जितने भी लोग आने वाले हैं उनको माइकिंग की तरफ से बकायदा इस बात को सूचित किया जाएगा ताकि वो इस घाट की सीढ़ी से जो है काफी ज्यादा जो है दूरी को मेंटेन करके रखें, काफी ज्यादा जो है वो दूरी पर खड़े रहें। वही अभी भी महिला की खोज जारी है और क्या कुछ होता है इस खबर को लेकर के हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ मैं मधुर चतुर्वेदी, सनमार्ग, कोलकाता।